गुड़ी पड़वा पर महाकाल मंदिर में चढ़ेगा ध्वज, कोठी तीर्थ कुंड पर ऐसे होगा नव संवत्सर का स्वागत। महाकाल मंदिर में ग्वालियर के पंचांग अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं। इसी पंचांग का साल के पहले दिन पूजन होगा। उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित विक्रम संवत का यह 2080वां वर्ष है। इस संवत्सर का नाम पिंगल संवत्सर रहेगा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 22 मार्च 2023 को गुड़ी पड़वा पर ध्वज चढ़ेगा। पुजारी कोठी तीर्थ कुंड पर सूर्य को अर्घ्य देकर नव संवत्सर का स्वागत करेंगे। इसके बाद पंचांग का पूजन किया जाएगा। पंडित महेश पुजारी ने बताया, पृथ्वी के नाभि केंद्र पर स्थित भगवान महाकाल के आंगन में हिंदू नव वर्ष का स्वागत धर्म परंपरा के अनुसार होगा। मंदिर के शिखर पर नया ध्वज लगाया जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त में पुजारी कोठी तीर्थ कुंड के तट पर खड़े होकर सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देंगे। इसके बाद मंदिर के नैवेद्य कक्ष में भगवान चंद्र मौलेश्वर और नए साल के पंचांग का पूजन होगा। पंडित महेश पुजारी ने बताया कि महाकाल मंदिर में ग्वालियर के पंचांग अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं। इसी पंचांग का साल के पहले दिन पूजन होगा। उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित विक्रम संवत का यह 2080वां वर्ष है। इस संवत्सर का नाम पिंगल संवत्सर रहेगा। नीम मिश्रित जल से स्नान करेंगे भगवान महाकालेश्वर। पुजारी बाबा गुरु ने बताया कि ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर 22 मार्च को भगवान महाकाल को नीम मिश्रित जल से स्नान कराया जाएगा।